बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान सिंगल विंडो पे आज दूसरी वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में हम मुकम्मल प्रोसेस सीखेंगे कि PSW में सब्सक्राइब कैसे किया जा सकता है और किस तरह से आप इस पे अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, आप इसकी सब्सक्रिप्शन हासिल कर सकते हैं। तो बिल्कुल स्टार्ट करते हैं जी, हम स्टेप बाय स्टेप इसका प्रोसेस। ये एक समराइज्ड स्टेप्स हैं आपके सामने। इसमें आप देख सकते हैं कि सब्सक्रिप्शन का प्रोसेस हमेशा स्टार्ट होगा बाय गोइंग टू द लिंक विच इज़ psw.gov.pk। इस लिंक को आप अपने इंटरनेट ब्राउजर में टाइप करके जब आप एंटर का बटन दबाएंगे तो आपके सामने PSW का मेन पेज खुलेगा। आप उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को मुकम्मल रीड करें। रीड करने के बाद आप आई एग्री को चेक करें और उसको चेक करने के बाद आप प्रोसीड का बटन दबाएं तो आपको नेक्स्ट स्क्रीन मिलेगी जिसमें आपको एक इंफॉर्मेशन विजिट नजर आएगी। इस इंफॉर्मेशन विजिट में आपने थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन पुट करनी है, बट बिफोर दैट आपको अपना NTN वैलिडेट करना पड़ेगा। NTN आपका मींस के बिजनेस NTN, आपका आपका ट्रेडिंग NTN, या आप मैन्युफैक्चरर हैं या एक्सपोर्टर हैं या इंपोर्टर हैं, आपके पास ऑलरेडी एक NTN है, वो आप वैलिडेट करेंगे। इसके बाद आप अपनी इंफॉर्मेशन लाइक CNIC है, मोबाइल नंबर है, वो चीज़ आप इस पर प्रोवाइड करेंगे। फिर उसके बाद आपको पेमेंट का प्रोसेस करना है। आप PSID जनरेट करेंगे, पेमेंट स्लिप ID और 500 रुपीज़ का वाउचर है, वो आप ऑनलाइन किसी भी चैनल के थ्रू पे कर सकते हैं, किसी भी आप ATM पे जाकर उसको पे कर सकते हैं। और उसके बाद आपको फिर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा नादरा के पास, और आफ्टर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन आपको एक ईमेल आईडी पर, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे एक लिंक आएगा जिसपे आप अपना पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। और आफ्टर क्रिएटिंग योर ओन पासवर्ड अब आप लॉग इन कर सकते हैं PSW में और आपकी सब्सक्रिप्शन का प्रोसेस कंप्लीट। आपको फिजिकली किसी डिपार्टमेंट में जाने की जरूरत नहीं है, सिवाय आपको एक दफ़ा नादरा पे अपने बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा। सो एक सिंपल प्रोसेस है, इसकी समरी है। अब हम वन बाय वन इन स्टेप्स को डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि आप इसका मेन जो लिंक है psw.gov.pk, इसको आप अपने ब्राउजर में टाइप करेंगे, और जैसे ही आप टाइप करेंगे ये मेन स्क्रीन आपके सामने खुल के आएगी जो कुछ इस तरह से दिखेगी। ये मेन स्क्रीन का स्क्रीनशॉट है। इस पे सब्सक्राइब और लॉगिन दोनों ऑप्शंस आ रहे हैं, क्योंकि अभी हम सब्सक्रिप्शन का प्रोसेस देख रहे हैं। तो सब्सक्राइब के बटन को आप क्लिक करेंगे और आपके सामने एक और पेज ओपन होगा जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई है। इन टर्म्स एंड कंडीशंस को मुकम्मल अच्छे तरीके से रीड कर लें। रीड करने के बाद आप इसके बॉटम पे आई एग्री विद द टर्म्स एंड कंडीशंस, ये एक चेक बॉक्स आ रहा है, इसको क्लिक करेंगे। और चेक करने के बाद आप ये प्रोसीड का बटन है, इसको आप प्रोसीड कर देंगे। जैसे ही आप प्रोसीड का बटन दबाएंगे एक और स्क्रीन आपके सामने खुलेगी जिसमें सब्सक्रिप्शन इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले आप गिवन बॉक्स के अंदर अपना NTN पुट करें और वैलिडेट के बटन को क्लिक करें। जैसे ही आप वैलिडेट के बटन को क्लिक करेंगे इस तरह से आपके सामने आपकी कंपनी की बेसिक इंफॉर्मेशन आ जाएगी, और नीचे आपने अपना ईमेल आईडी जो दिया होगा NTN के साथ वो लिखा हुआ नजर आ जाएगा। अच्छा, ईमेल आईडी के नीचे फिर आप अपना CNIC नंबर टाइप करेंगे और मोबाइल नंबर आप टाइप करेंगे। CNIC आप लाइक जिसके नाम पे आप PSW की एक्सेस देना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो एक प्रिंसिपल जो आपका या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का जो प्रिंसिपल मेंबर है, जो कंपनी को जो सिग्नेटरी है, उसका आप CNIC नंबर देख सकते हैं। और अगर आप सिंगल मेंबर कंपनी रन कर रहे हैं या आप सोल प्रोप्राइटर बिजनेस रन कर रहे हैं तो आप अपना CNIC नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे, मोबाइल नंबर एंटर करेंगे और आप जनरेट वाउचर के बटन को क्लिक कर देंगे। इसी के नीचे जनरेट वाउचर का बटन आ रहा है। जनरेट वाउचर के बटन को क्लिक करते ही आपके सामने वाउचर जनरेट होगा जिसमें एक तो PSID आपको गिवन होगी और साथ ही साथ एप्लीकेशन आईडी है। इन दोनों चीज़ों को आप अपने पास कहीं नोट कर लें या स्क्रीनशॉट बना लें। इसकी जो सब्सक्रिप्शन फ़ी है वो 500 रुपीज़ है लाइफ टाइम, जो कि आपको पे करनी है, ड्यू डेट के अंदर अंदर पे करनी है। और इसका स्टेटस आपके सामने आ रहा है अनपेड का। ये जब तक आप पेड का स्टेटस नहीं आएगा ये प्रोसीड नहीं आप कर सकते। तो वाउचर पे करने के लिए आप ये आपके सामने एक ईमेल का स्क्रीनशॉट है। जब आप वाउचर जनरेट करते हैं तो आपको ईमेल पे भी वो वाउचर आ जाता है और मोबाइल नंबर पे टेक्स्ट मैसेज भी आपको रिसीव होता है। अच्छा, वन लिंक के थ्रू आप ATM के थ्रू आप इजी पैसा किसी भी चैनल के थ्रू आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। आपको उसके लिए PSID नंबर चाहिए होगा।
जो कि आप पुट करेंगे। और अगर आप ऑनलाइन बैंकिंग चैनल के थ्रू ट्रांसफर करें तो पेमेंट ट्रांसफर ऑप्शन में आप बिल पेमेंट को क्लिक करेंगे और कैटेगरी में आप वन बिल को, जबकि पेमेंट कंपनी में आप इनवॉइस को क्लिक करेंगे तो PSID की आप इस तरह से पेमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये ऑनलाइन जो अकाउंट है आपका, उसके थ्रू अगर आप पेमेंट करना चाह रहे हैं तो ये आपके सामने उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन है। फॉर एग्जाम्पल, ये सिल्क बैंक के अकाउंट से पेमेंट हुई है, तो इसमें जो कंपनी कैटेगरी है वो वन बिल है और जो पेमेंट कंपनी है वो इनवॉइस आ रही है। अकाउंट नंबर आप टाइप करें या क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपना जहाँ पे नॉन बेनिफिशियरी है वहाँ पे आप PSID टाइप करेंगे और फेच बिल को क्रिएट आप क्लिक करेंगे। जैसे फेच बिल को क्रिएट करेंगे तो आपके सामने आपकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, जिसमें आपने जो PSW की 500 रुपीज सब्सक्रिप्शन पे करनी है वो लिखा हुआ नजर आएगा। आप जब उसको पे करने के बाद वापस आएंगे कुछ टाइम के बाद, तो आपका जो स्टेटस है वो अपडेट हो चुका होगा और पेमेंट स्टेटस में पेड लिखा आ रहा होगा। अब आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं और प्रोसीड के बटन को क्लिक करते ही आपको मोबाइल नंबर पर एक OTP रिसीव होगा, जो कि मोबाइल पे भी होगा और ईमेल ID पे भी होगा। दोनों OTPs आपको वन बाय वन यहाँ पे पुट करने हैं। ये मोबाइल का एक OTP है, ये आप उठा के वहाँ पुट करेंगे। इसी तरह ईमेल पे हासिल होने वाला OTP भी आप एज इट इज उस लिंक पे पुट करेंगे और फिर आप सबमिट का बटन दबाएंगे। जैसे ही सबमिट का बटन दबाएंगे तो आपका प्रोसेस पूरा हो जाएगा, लेकिन नीचे लिखा आएगा बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नॉट वेरीफाइड। तो आप किसी भी नादरा ई सहूलत सेंटर पे विजिट करें, 200 रुपीज फी पे करें और पे करने के बाद आप बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाएं, आपको उसकी एक रसीद हासिल हो जाएगी। और आप कुछ अर्सा वेट करें, कोई 3-4 घंटे वेट करने के बाद आपका स्टेटस ऑटोमेटिकली यहाँ पर अपडेट हो जाएगा और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन में वेरीफाइड लिखा आ रहा होगा। ठीक है, अब आप यहाँ से आगे प्रोसीड कर सकते हैं और आपका प्रोसेस जो है वो कंप्लीशन में चला जाएगा और आपको एक ईमेल रिसीव होगी जिसमें आपने इस लिंक को क्लिक करना होगा जहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक ऑन दिस लिंक टू क्रिएट पासवर्ड। अब आप इस लिंक को क्लिक करके अपना पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं और अपना प्रोफाइल कंप्लीट कर सकते हैं। PSW में फिलहाल दो ऑप्शंस मौजूद हैं, आप एज ए ट्रेडर सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप एज ए क्लियरिंग एजेंट सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो वो तमाम दोस्त जो एज ए ट्रेडर काम करना चाह रहे हैं, एज ए ट्रेडर उनका स्टेटस है, वो ट्रेडर को क्लिक करेंगे और अपना बाकी का प्रोफाइल जो है उसको मुकम्मल कर लेंगे, जिसमें आपका बिजनेस नेम है, एड्रेस है, यूजर सब टाइप है और अगर किसी किस्म के डॉक्यूमेंट्स हैं वो तो आप यहाँ पे वो अपलोड कर देंगे और सबमिट कर देंगे। इसी तरह अगर आप कस्टम में रजिस्टर्ड क्लियरिंग एजेंट है तो फिर आपको अपना लाइसेंस नंबर चाहिए होगा, आपको पेरेंट कलेक्ट्रेट बताना चाहिए। आप अपना पेरेंट कलेक्ट्रेट सेलेक्ट करेंगे और अपना कस्टम हाउस एजेंट्स लाइसेंस नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे। तो इसके बाद आप एज ए बिजनेस, एज ए कस्टम क्लियरिंग एजेंट VVPOC पर सब्सक्राइब कर पाएंगे और जो पासवर्ड आपने सेट किया है, जो LogIn ID आपको मिला है, उसके मुताबिक अब आप अपने PSW पे लॉग इन कर सकते हैं। सो ये एक सब्सक्रिप्शन का बेसिक सा प्रोसेस है जो मैंने आपके सामने शेयर किया। आप खुद अपने तौर पे इसको रजिस्टर कर सकते हैं और इस दौरान आपको कोई भी परेशानी, कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप PSW की हेल्पलाइन पे कॉल करके उनसे हेल्प भी ले सकते हैं और उनकी हेल्पलाइन की उनकी एक ईमेल ID पे भी आप हेल्प के लिए ईमेल कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे से कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर व्हाट्सएप नंबर है उस पर भी आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह VVPOC के इंटरफेस पे बात करेंगे, इसके डैशबोर्ड को पूरा हम तमाम ऑप्शंस को स्क्रॉल करेंगे। सो तब तक आप वीडियोस पे, आप हमारे चैनल पे वेट करें, आप हमारी नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ट्यून प्लीज। थैंक यू सो मच।